हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैं उठ चुकी थी तो मैंने कहा दिया को भी एक बार जो है बाथरूम करवा देती हूँ, फिर वो आराम से सोती रहेगी 1-1.5 घंटा। वैसे तो वो जल्दी उठ जाती है मेरे साथ साथ ना, उसको जैसे आवाज़ आती रहती है, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ बाहर की तरफ से, तो उठ जाती है बहुत आराम से। और ऐसे ही रात के 3 बजे के आसपास मैं इसको एक बार बाथरूम ले जाती हूँ, और सोते टाइम तो ये करती करती है, अच्छी आदत है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को सोते हुए उठाना, फिर वेट इतना ज़्यादा हो जाता है सोते हुए बच्चे का बाथरूम तक ले जाना, बट अच्छी आदत होनी चाहिए बच्चों में। फिर आ गई हूँ मैं बाहर, मशीन में से 2 बेडशीट मेरे को निकालनी थी। जब भी मैं मशीन लगाती हूँ तो 2 दिन मेरी लगातार मशीन लगती है, एक दिन तो नॉर्मल जो मेरे और दिया के कपड़े होते हैं वो धुलते हैं, बाकी दूसरे दिन जो है मैं बेडशीट हो गई या फिर सोफे के कवर, कुशन कवर, ये सब चीज़ें डाल देती हूँ। कई बार तो जो मैट्स वगैरह होती हैं घर के, डोर मैट वगैरह, वो भी डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। 2 दिन लगातार लग जाती है, एक दिन में मतलब पूरा प्रेशर नहीं पड़ता है। तो मशीन मैंने अंदर लगा दी है उसकी जगह पे, मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर इस एरिया में भी लगा सकती हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। कुछ दिन तक तो मैंने लगा के भी रखी हुई थी, लेकिन ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो जाती है और गंदगी से नज़र आती है, और ना एकदम भरा भरा सा लगता है आगे का एरिया ना, तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं इसको पुरानी जगह पे ही लगाऊंगी। कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होती निकालने में, अंदर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और फिर इसके बाद आज जो है मैंने सोच रखा था, मैं सारी बाल्टियाँ जितनी भी मैं यूज़ करती हूँ कपड़े धोने में, नहाने में, मग्गे वगैरह जो भी है, वो सब बहुत अच्छे से साफ़ करूँगी। कल जो है बाथरूम का नंबर लगाऊँगी, बाथरूम साफ़ करूँगी अच्छे से, क्योंकि कल फ्राइडे है तो हेयर वॉश वगैरह भी अच्छे से हो जाएगा। आज तो सिर्फ बाल्टी बाल्टी में धोने वाली हूँ, और बाल्टी को जो धोने के लिए ना मैं नॉर्मल जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है उसका यूज़ करूँगी, और साथ में जो है लिक्विड डिटर्जेंट मैंने ले रखा है। वैसे तो साबुन भी ले सकते हो आप, ये वाला जो कपड़े धोने वाला होता है, इससे भी अच्छा खासा साफ हो जाता है। और बाल्टियों पे ना कोई गंदगी तो होती नहीं है देखो, लेकिन वही है पानी के भी निशान हो जाते हैं, उसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये वाली जो बड़ी वाली बाल्टी है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, इस पर ढक्कन भी लगा हुआ है, तो पानी भर के मैं रख भी देती हूँ बाहर की तरफ, जैसे धूल मिट्टी में बता रही हूँ यहाँ पर आई ही जाती है, तो ढक्कन लगा होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। एक्स्ट्रा में कभी कभी पानी जैसे नहाने के लिए, या फिर दिया भी जैसे नहाती है तो उसके लिए ताज़ा पानी भर के रख देती हूँ, वो बाहर इसी एरिया में नहा लेती है। शावर भी लग रहा है बाहर, लेकिन शावर अभी रिसेंटली में टूट गया, एक दिन नहाइए दी हूँ, दूसरे दिन वो टूट के निकल के गिर गया। बहुत पुराना शावर होगा, बहुत पुराना, जब ये घर बना होगा तब से ही लगा होगा, तो काफ़ी चला, लेकिन फ़िलहाल तो वो टूट चुका है। और ये वाले जो काम होते हैं ना, बाल्टी वगैरह धोना या फिर घर के और भी जैसे एक्स्ट्रा वाले जो काम होते हैं, ये टाइम टू टाइम हमें करने चाहिए, चीज़ें एकदम साफ़ सुथरी रहती हैं और ज़्यादा टाइम तक चलती है। मैंने देखा है कई लोग अपना घर चमका लेते हैं, बिल्कुल किचन चमका लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ये मग्गे वग्गे उनके एकदम सड़े रहते हैं, और बहुत मतलब गंदा लगता है जैसे कोई आए एकदम से और ये सारी चीज़ें गंदी गंदी हो ना, मुझे तो बहुत बेकार लगता है। तो मैं इसको साफ़ करने की कोशिश करती हूँ, और आपको पता है मेरे घर में कोई आता नहीं है, ये सब चीज़ें मैं अपने लिए करती हूँ, अपनी खुशी के लिए करती हूँ। बहुत कई बार मतलब आलस भी आता है कि चलो बाद में कर लूँगी, बाद में कर लूँगी कई चीज़ों में, लेकिन फिर मैं कर ही लेती हूँ। मुझे चीज़ें जब याद रहती है ना कि हाँ ये करनी है, ये रूटीन के काम मुझे करने हैं, तो मैं कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लीन कर दी, और पोछे को धोने के लिए ना मैंने अलग ग्लव्स वाला जो ब्रश होता है ना उसका यूज़ किया था, कपड़े धोने वाला नहीं यूज़ किया था। तो बस ऐसे ही जो है मेरे काम जो है अच्छे से हो जाते हैं। सुबह उठ के ना ये वाले काम करने में बहुत मज़ा आता है, जैसे ही थोड़ा धूप और बढ़ती जाती है, गर्मी बढ़ती जाती है ना, तब मज़ा नहीं आता ये सारे काम करने में। तो बस सुबह सुबह जल्दी उठ के लग पड़ी हूँ मैं अपने काम पर, मेरी ड्यूटी शुरू हो गई है, और ये वाली ड्यूटी अच्छी भी लगती है ना, सबको नहीं अच्छी लगती लेकिन मेरे को अच्छी लगती है। मैं शादी से पहले कोई काम नहीं करती थी, लेकिन अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मेरे बिना हो ही नहीं सकते, मेरे घर में मतलब मेरे बिना गुजारा ही नहीं, आपको पता ही है। तो बस लग जाती हूँ अपनी ड्यूटी पे। दिया भी उठ चुकी है, देखो मैं कह रही थी ना मेरी आवाज़ से खटपट से वो उठ ही जाती है और आ गई है बाहर, और जब वो आसपास होती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी सी आ जाती है, ऐसा लगता है कि चलो कोई है मेरे आसपास। जैसे कि पहले राखी रहती थी, बहुत सारे लोगों को लगता था वो मेरा बहुत सारा काम करवाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो रहती थी ना तो शायद मैं बहुत अच्छे से काम कर लेती थी, यही रहता था, कोई बात भी करता रहे ना तो अच्छे से काम हो जाता है।
इसके बाद यहाँ पर मैं बाल्टी साफ़ करने के बाद ये वाला एरिया जो कि पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है थोड़े 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 दिन में, यहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्टिविटी ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, सिर्फ कपड़े धुलते हैं या दिया कभी कभी नहा लेती है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है एरिया मिट्टी मिट्टी की वजह से। तो मैं इसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, ज़्यादा मेहनत लगती है लेकिन मज़ा आता है जब देखो साफ़ सुथरी चीज़ें ना। तो इसके बाद मैं ये सारी जो भी बाल्टी वगैरह टब वगैरह मैंने धो के रखे हैं इसको अंदर रख दूँगी, जहाँ पर मशीन रखी है ना उसी जगह पे रख दूँगी, जब मशीन लगेगी तभी काम आती है ये चीज़ें, वैसे तो नहीं आती है। और ये आंगन थोड़ा सा धो दूँगी पानी वगैरह डाल के, बाकी तो जो अच्छे से धुलना है वो अभी अंदर से पोछा लगाती हुई आऊँगी ना तब धोऊँगी, क्योंकि यहीं से सारे काम जो होते हैं पोछा लगाऊँगी, यहीं से पानी वगैरह ये मॉप वगैरह अपना लेकर जाऊँगी। तो बस हल्का फुल्का सा पानी यहाँ पर डाल के छोड़ देती हूँ। और ये देखिए मैंने गेट को भी आज अच्छे से धो दिया है, जाले हो जाते हैं पता है, ये धूल मिट्टी आंधी वगैरह चलती है ना इसकी वजह से जाले हो जाते हैं। अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा जाले हो रहे हैं तो आप देखिएगा जितनी ज़्यादा हवा धूल मिट्टी चलती है ना तो उस वजह से ही होते हैं, इन दिनों में ज़्यादा हो रहे होंगे देखना आप। सो फ्रेंड्स, गर्मी के जो भी काम थे बाहर बैठ के करने के, गर्मी में बैठ के मतलब, वो तो मेरे हो चुके हैं। अब मैं आराम से अंदर के काम, झाड़ू पोछा, थोड़ा बहुत डस्टिंग, इधर उधर सामान उठाना रखना, वो सब मैं आराम से पंखे में रह के कर लूँ। अच्छा वैसे आज दिया को जो है सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा हो गया है, ये जो अंकल है ना ये डेली आते हैं, गुब्बारा बेचते हैं ये, और जब हम बहुत छोटे छोटे से थे ये तब भी आते थे, हम भी खरीदते थे, हमारे पापा हमारे लिए लेते थे, सोना के लिए तो बहुत ही खरीदा है पापा ने। ये जो छोटे छोटे वाले हैं ना ये 5 रुपये के दो आते थे, अब तो 10 रुपये के दो हो गए हैं, तो ये हमेशा सोना के लिए लेकर रखते थे पापा। तो दिया ने भी जो है बड़ा सा बैलून ले लिया है, पहले उसको लेने थे कुछ खिलौने बट उसको कुछ मिला नहीं उसके काम का, तो उसने बैलून ले लिया है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी सुबह सुबह के टाइम पर ना ये बैलून लेकर, और मुझे भी बहुत खुशी हुई इसको खुश देख कर। सो दिया को तो बैलून दिला दिया है, अभी अंदर आके मैंने जो है अपने काम स्टार्ट कर लिए हैं। सबसे पहले तो जो है बिस्तर बना लेती हूँ। देखो मेरे घर में ना बेड इस टाइम पर जो बने हुए हैं वो चार चार है, एक फोल्डिंग नए वाले रूम में डला हुआ है, एक मेरे बेडरूम में डबल बेड डला हुआ है, एक ये वाला बेड है, एक बाहर वाले रूम में जो है फोल्डिंग डला हुआ है तो चार बेड। तो आप सोच सकते हैं कि उसके चारों की बेडशीट भी मैं एक ही साथ उतारती हूँ टाइम टू टाइम, और एक ही साथ धुलती हैं वो, और यूज़ एक ही बेड होता है ये वाला ज़्यादा बेड यूज़ होता है, इसी वाले कमरे में हम लोग रहते हैं और यही सबसे ज़्यादा बिगड़ता है बहुत ज़्यादा, इसी के चक्कर में ना वो सारी बेडशीट जो साफ़ सुथरी होती हैं जो बहुत कम यूज़ होती हैं वो भी धुलती रहती हैं, ये अच्छी बात है। तो बेड बना लिया है, बाकी एक्स्ट्रा कंबल वगैरह जो है मैं अंदर कमरे में रख कर आ जाऊँगी, क्योंकि पूरा दिन देखो ओढ़े नहीं जाते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। बीच में अभी बारिश का मौसम था तब तो मैंने एक रखा हुआ था ब्लैंकेट, जैसे दिन में भी बैठो एसी अगर चल रहा हो तो फिर ओढ़ा जाता है। और यहाँ पर जो है मैं सोफ़े को भी अच्छे से बना लूँगी, सोफ़े को मतलब मैं रात को भी पूरा सेट करके सोती हूँ, उसके बावजूद भी सुबह के टाइम पर ये मुझको ऐसे ही मिलता है, मैं खुद भी बैठ जाती हूँ या मैं खुद भी जो है रात के टाइम पे जैसे मन नहीं कर रहा होता, आँख खुल जाती है तो मैं वहीं पर बेड पर लेटे लेटे बैठ मतलब फ़ोन चलाने की जगह यहाँ पर सोफ़े पर आराम से थोड़ा सा बैठ के पैर फैला के जो है आराम से फ़ोन चला लेती हूँ, वहाँ पे लेट के नहीं चलाती हूँ दियो के पास ना। इसके बाद जो है सोफ़ा मेरा ऑलमोस्ट जो है ऑर्गेनाइज हो ही चुका है, चलते हैं अंदर वाले रूम में झाड़ू लगाने के लिए। तीन तीन चार चार रूम है, अच्छा भी लगता है इतना बड़ा स्पेस है मेरे पास, लेकिन शामत आ जाती है जब सुबह के टाइम पर सफाई करते हैं ना। मैं एक भी दिन जो है ऐसा नहीं करती कि चलो स्किप कर दो, मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक भी दिन अगर छोड़ दो ना तो काम ऐसा लगता है डबल हो गया है, डबल मेरे को मेहनत करनी पड़ती है उस सफाई में। तो इस वजह से जो है मैं डेली तीनों रूम को जो है एकदम खोल देती हूँ सुबह के टाइम, तो सारे दरवाजे पर्दे सब हटा देती हूँ, शाम को भी मोस्टली यही सारे काम होते हैं मेरे, तो बस अच्छा लगता है, थोड़ा सा घर चमक जाता है, फिर पूरे घर में राउंड लगाओ ना बड़ा मज़ा आता है देख के, अपने ही मतलब अपनी मेहनत पे ही अच्छा लगता है, इतनी मेहनत से हम ये सारी चीज़ें करते हैं। मेहनत तो देखो हर काम में लगती है, कोई भी काम हो मेहनत तो लगती है। और झाड़ू ये वाले रूम की भी जो है ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गई है, और सारा कूड़ा जो है मैं यहाँ से बाहर ले जाऊँगी,
झाड़ू लगाने के बाद अब मैं पोछा भी लगा लूँगी। पोछा पूरे घर में लग चुका है, शूट में यहीं पर आके कर रही हूँ। थोड़ा सा ना अजीब लगता है, जगह 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 उठा उठा के, तो यहाँ पर आके बस मैंने पोछा अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। आंगन में भी पोछा लगा लूँगी, धो तो मैं पहले ही चुकी थी। ये वाले कमरे को जो है ना मैं अधिकतर धो देती हूँ, सही रहता है। यहाँ से पानी जो है सीधा बाहर जाता है दरवाजे के पास से ना। अच्छा, मैंने अपने पूरे घर में टाइल्स नहीं लगवा रखी, जैसे कि सीमेंटेड फ्लोर है लेकिन वो बहुत ज़्यादा गंदा था, तो मैंने मैट बिछा रखी है। मैट से सुंदर तो लगता है घर, बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन ये वाला जो फ्लोर होता है ना, इसको क्लीन करना सच में बहुत आसान होता है। पानी से भी वॉश कर लो कभी कभी, और ठंडा भी लगता है बहुत ज़्यादा ना। तो यहाँ पर ये वाले भैया ना, ये आते रहते हैं, कुछ 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 दिनों में आते रहते हैं। तो दिया इनको बस पैसे देने के लिए गई है, क्योंकि ना मैं अभी बाहर ही खड़ी थी और मैं नहाने ही जाने वाली थी, तो मैंने कहा दियो पैसे दे के आ जा अपने घर के आगे, गेट के आगे, पता नहीं कब आएंगे, तो अभी वहीं पर दे के आ जा, फिर हम दोनों नहाने चलते हैं। और नहाने के बाद मैंने दियो को ये वाली फ्रॉक पहना दी है, मैंने खुद जो है अभी गाउन ही पहन लिया है, क्योंकि सोच रही हूँ बड़ी मम्मी के घर जाने के लिए, तो नाश्ता वगैरह करने के बाद सारे और जो भी थोड़े बहुत काम बचे हैं उनको करने के बाद देखती हूँ कि आज क्या पहने, क्या ड्रेस वेयर करें आज। सो फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ, दिया भी नहा चुकी है, और घर का ऑलमोस्ट सारा ही जो है काम ख़त्म हो चुका है। मैंने दिया को ना अभी वाटरमेलन जो है कट करके दिया है, तो दिया वो इन्जॉय कर रही है। तब तक जो है मैं थोड़ी सी पूजा कर लेती हूँ, थोड़ी सी पूजा करूँगी, और फिर उसके बाद जो है बनाती हूँ नाश्ता। नाश्ते में ना बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या बनाया जाए, क्या खाया जाए। एक तो मन करता है कुछ हल्का फुल्का खाने का, कुछ हैवी ना हो, जैसे पराठा हो या फिर कोई और चीज़। ब्रेड ख़त्म हो गई थी, वरना आजकल हम ब्रेड जैम, ब्रेड बटर और अंडा ब्रेड बहुत खा रहे थे। आज तो खैर थर्सडे है, आज अंडा ब्रेड नहीं खाया जाएगा, लेकिन ब्रेड है ही नहीं, लेकर आए ये तो फिनिश कर लो, तब तक मैं पूजा कर लूँगी। तो मैं पूजा कर लूँगी, आज थर्सडे है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है और एक्स्ट्रा पूजा करने में। और मैं सोच रही हूँ कि बहुत दिन हो गए बड़ी मम्मी के यहाँ जाना हो ही नहीं रहा, मुहूर्त निकल ही नहीं रहा। ये सोचती हूँ मौसम थोड़ा ठीक हो, धूप ना हो, कम हो धूप। इस चक्कर में जो है पूरा एक महीना हो गया। बासू का बर्थडे था 30 तारीख को, तो हम गए थे 1 तारीख को, तो देखो पूरा एक महीना हो गया है मैं बड़ी मम्मी के घर नहीं गई हूँ। तो अभी मन कर रहा है कि नहीं होकर आऊँ, और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद भी निकलेंगे तो ठीक है, फिर आ जाएंगे 12-12:30 बजे तक, 1.5 घंटा जो है बैठ के आ जाएंगे। पता है इस टाइम मैं चली जाऊँ, हमेशा ही चली जाऊँ, लेकिन यही रहता है काम ना, सभी लोगों के थोड़ा लेट स्टार्ट होते हैं। बड़ी मम्मी जो है आधे से ज़्यादा रात तो जागती हैं बड़े पापा के साथ ना, और सन्नी भाई की भी जो नाइट शिफ्ट होती है, बासू भी छोटा है तो भाभी भी जो है थोड़ा लेट उठती होंगी, पारुल दीदी जो है सुबह रे स्कूल चली जाती हैं और टीचिंग करती हैं, तो सबका ही जो है थोड़ा रूटीन जो है लेट स्टार्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है सब लोग काम में लगे होंगे और मैं पहुंच जाऊंगी, अजीब लगता है, लेकिन आज नहीं होकर आऊँगी। अच्छा कुछ भी हो, उनको काम करते हुए चाहे देखना पड़े, लेकिन होकर आ जाऊँगी। चले आज बड़ी नानी के घर, है ना, बड़ी नानी के घर होकर आते हैं। मम्मी के घर भी जो है कल शाम को होकर आ गई थी मैं, और देखो नेहा कब आती है, नेहा के आने का मुहूर्त भी नहीं निकल रहा है, नेहा का दियो होती है, पता नहीं कब आना होगा। क्या हो गया बेटा? तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बहुत बहुत देर हो गई ऐसे काम करते 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 करते। पूजा कर लेते हैं, फिर जो है मैं अभी कुछ खा पी लेती हूँ, फिर चलते हैं। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जो है बेल बटन प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में।